देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर। हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह निजामाबाद में चुनावी रैली और रंगारेड्डी में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डीके शिवकुमार भी हैदराबाद में करेंगे रोड शो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रम वीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। अब तक 46.8 मीटर तक हुई ड्रिलिंग, तकनीकी कारण की वजह से ड्रिलिंग के काम में आई बाधा। इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिन का संघर्ष विराम। बंधक महिलाओं और बच्चों के पहले समूह को हमास करेगा रिहा। गजा में अतिरिक्त मानवीय सहायता पहुंचनी होगी शुरू। और कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी के बल पर T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया। सीरीज में भारत को मिली 1-0 की बढ़त। दोनों टीमों के बीच रविवार को होगा दूसरा मुकाबला। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने अब जोर पकड़ लिया है। जहां राजस्थान में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद अब सभी पार्टियों का फोकस तेलंगाना पर है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की आज तेलंगाना के कई विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। सबसे पहले अमित शाह निजामाबाद की आरमूर विधानसभा सीट पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो भी करेंगे। शाम को गृह मंत्री रंगारेड्डी जिले की सेरिलिंगमपल्ली में भी रोड शो करके भाजपा का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद लगभग शाम 5 बजे हैदराबाद की अंबरपेट सीट पर रोड शो करके भाजपा नेता पार्टी के हक में आज वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी तेलंगाना में लगातार मोर्चा संभाले हुए है। यहां 30 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नलगोंडा और आलमपुर में जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जुक्कल मेडक तंदूर खैरताबाद में रैली और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज तेलंगाना के पालकुर्थी धर्मपुरी में चुनावी रैली होगी। और वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि प्रदेश की 199 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। गुरुवार को शाम 6 बजे प्रचार अभियान का शोर थम गया और अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक महकमा शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने और भय मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रम वीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक बचाव कर्मी सिलक्यारा सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्रिलिंग का काम रुक गया था। राज्य और केंद्र सरकार लगातार बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मजदूरों को बाहर निकालने के साथ उनके खाने पीने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी खास इंतजाम किए गए हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिनों का संघर्ष विराम शुरू होगा। स्थानीय समय अनुसार के सुबह 7 बजे से संघर्ष विराम शुरू होगा। कतर में मध्यस्थों ने कहा कि आज 13 इजरायली और बच्चों को रिहा किया जाएगा। दोनों पक्षों ने कहा कि ये संघर्ष विराम अस्थाई है। संघर्ष विराम के तहत गजा में अतिरिक्त मानवीय मदद आज से भेजी जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाले संघर्ष विराम में 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इजरायल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों को भी रिहा किए जाने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि बच्चों में सांस संबंधी बीमारी को लेकर चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों को किसी भी असामान्य या नए रोगजनक का पता नहीं लगा है। साथ ही चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को सांस संबंधित बीमारियों और निमोनिया की घटनाओं पर आंकड़े मुहैया करवाए हैं। चीन में बच्चों में सांस संबंधित बीमारियां और निमोनिया की घटनाएं बढ़ने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मांगी थी। नियमों के अनुसार चीन ने 24 घंटे के भीतर WHO को जानकारी मुहैया करवाई है। WHO ने कहा कि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने श्वसन संबंधित बीमारियों में वृद्धि पर अनुरोध के बाद डाटा उपलब्ध करा दिया और बच्चों में निमोनिया की सूचना दी। चीनी अधिकारियों ने कहा कि बीजिंग और लियाओनिंग सहित अन्य क्षेत्रों में असामान्य या नए वायरस का फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चला है। वहीं आयरलैंड की राजधानी डबलिन में चाकूबाजी की एक घटना में 3 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। चाकूबाजी की घटना में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है, जबकि 2 अन्य छोटे बच्चों का कम गंभीर चोटों के लिए इलाज चल रहा है। वहीं चाकूबाजी की घटना डबलिन के पार्नेल स्क्वायर पर हुई। आयरलैंड की डबलिन में चाकूबाजी की इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने बस और पुलिस कार को आग के हवाले कर दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने होटल और रेस्तरा में तोड़फोड़ की। पुलिस ने चाकूबाजी के घटनास्थल पर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने का काम किया। और अब बात खेलों की, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 19.5 ओवर में 8 विकेट खोकर 209 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत की इस जीत में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अहम भूमिका निभाई। सूर्य कुमार ने 42 गेंद पर 80 रनों की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 39 गेंदों पर 58 रन बनाए। इन दोनों के अलावा रिंकू सिंह ने 22 रनों की पारी खेली। इससे पहले भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की, हालांकि मैथ्यू शॉट 13 रन बनाकर बोल्ड हुए। इसके बाद आए जोश इंग्लिश ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए।
स्टीव स्मिथ ने अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई, वो 52 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर इंग्लिश ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों पर शतक पूरा किया, वो 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से 110 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रदूषण की। राजधानी में बीते 3 दिनों से स्मॉग की गहरी परत छाई हुई है, कुछ मीटर दूर भी लोग साफ नहीं देख पा रहे। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से सिर दर्द, थकावट, सांस में परेशानी जैसी तमाम समस्याएं अब आम हो चुकी हैं। पहले से बीमार लोगों को दवाएं भी राहत नहीं दिला पा रही, और इन सब के बीच बुरी खबर यह है कि अभी प्रदूषण और बढ़ सकता है, वीकेंड पर यह गंभीर स्तर में रह सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी वायु प्रदूषण सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह आनंद विहार में 411, अलीपुर में 432, वजीरपुर में 433 और आरकेपुरम में 422 AQI दर्ज किया गया। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आज हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।